मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज कुछ देर पहले एक बात हो रही थी एक साहब से, वालदेन का और बच्चों के जो आजकल प्रॉब्लम्स आज चल रहे हैं के हवाले से। तो अब ये एक ऐसा मसला है कि बाज़ औक़ात समझ नहीं आ रहा होता कि गलत कौन है। कुछ ऐसा पहले तक ये लगता था कि बच्चे गलती पर हैं, वालदेन ठीक है, बच्चे गलती पर हैं, बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चों को दुरुस्त लाइन पर लेकर जाना चाहिए। अच्छा, अब कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स आ गई हैं कि बाज़ औक़ात लगता है बच्चे ठीक हैं, वालदेन गलती पर हैं। ये बाज़ औक़ात नहीं, ये काफी ज्यादा हो चुका हुआ है जी। अब ये कुछ तरबियत का है या माहौल का है सर, थोड़ा सा इस पे बताइएगा। और दूसरा, वालदेन का जो बच्चों का साथ रिश्ता होना चाहिए, बचपन से उनकी ग्रूमिंग जो हो रही होती है, वालदेन का जो रिश्ता होना चाहिए या रवैया होना चाहिए बच्चों के साथ, वो किस तरह का होना चाहिए? अच्छा उस्मान, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसका ताल्लुक तरबियत और माहौल के साथ नहीं है। अच्छा, इसका ताल्लुक कम्प्लेक्स के साथ है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल मैटर है। ओके उस्मान, कभी आप देखिए, जब अब हम दीन इस्लाम के बारे में जब भी बात होती है तो हमेशा से आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने छोटी छोटी नेकियों के ऊपर भी बड़ा बड़ा इनाम रखा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर वो क्या इनाम होगा कि जिसमें बाप को जन्नत के दरवाजे का दर्जा मिल गया और मां को पैरों उसके जन्नत उसके पैरों के नीचे। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि दीन इस्लाम में जितना बड़ा इनाम है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल, ये सौखा नहीं है जन्नत का दरवाजा बनना या जिसके पांव में जन्नत होना। सही। जब तक हमें इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तब तक ना अच्छे मां बाप प्रोड्यूस हो सकते हैं और ना उनकी नस्लें बेहतर हो सकती। सही। आज ये जो मैंने आपको कहा कि ये कम्प्लेक्स का प्रॉब्लम है, देखें बड़ी खूबसूरत चीज है, अल्लाह ताला ना इंसान को, हर इंसान को जी। अब आप ये झोपड़ी पे रहने वाले से लेके और सदरे मुमलिकत तक आ जाए, ठीक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना अपनी अपनी नौयत की पावर दी है। बिल्कुल, किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास चंद अफराद की है, किसी के पास ज्यादा अफराद की है, ठीक है, और किसी के पास पूरी मुमलिकत की है जी। अब आप जरा ये नोट कीजिएगा कि जिसकी जिम्मेदारियां, जिसके लोग बढ़ते चले जाएंगे उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएंगी, उसके कांधे जो हैं वो बोझ से बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया का कोई भी शख्स है वो किसी न किसी कफालत की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सही। अगर हम मर्द की हैसियत से बात करें, सही, और अगर हम मां की हैसियत से बात करें तो तरबियत की कफालत अपनी औलाद की उसके जिम्मे है। सही है, ठीक है, मर्द के पास तरबियत भी और जरिया मुआश भी, ठीक है, ठीक है, उसने दोनों चीजों पे काम करना है। और मां जो घर में है उसके लिए, अब ये झोंपड़ी में रहने वाली है, ठीक है, अब इसमें किसी सोर्सेस की बात नहीं हो रही, इसमें किसी 3D घर की बात नहीं हो रही, किसी लग्जरी गाड़ी की बात नहीं, ये वहां से सिलसिला शुरू होता है और ये ऊपर तक जाता है, ठीक है। बदकिस्मती से क्या होता है, ये टेस्ट चल रहा होता है। सही। अल्लाह जब इंसान को ताकत देता है तो फिर वो आजमाइश भी देता है, वो आजमाया जाता है, नबी आजमाए गए, ठीक है। मां बाप जब तक एहसान समझकर अपनी औलाद को पालेंगे ना तो गड़बड़ होगी। मां बाप जिस दिन अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी औलाद को पाले पोसेंगे ना उस दिन मामला ठीक होने शुरू होंगे। सही। प्रॉब्लम यह हुई है कि मां बाप ने इस
ताकत के मिलते ही कि औलाद दुनिया में आई, दुनिया में आते ही उन्होंने अपनी डोमिनेशन शुरू कर दी। सही। और जिसका जहां दिल किया जैसे दिल किया अपने मुताबिक छींटे मारने शुरू कर दिए। सही। किसी ने ऊंचा बोल के, किसी ने फिजिकल पनिश करके, ठीक है। नतीजा ये निकला कि जब वो बच्चे बड़े हुए और उन बच्चों ने अपनी जिंदगी अपने मुताबिक गुजारने की शुरू की तो उन मां बाप ने उनके मुंह पर एक और थप्पड़ मार दिया ये कह के कि हमने तुम्हारे लिए उस वक्त में ये कुछ किया। अब क्या हुआ कि वो एहसान जतलाना शुरू कर दिया। नतीजा जब आप एहसान करेंगे तो फिर दोनों बातें जेहन में रखिए, एहसान मंद भी हो सकता है, एहसान फरामोश भी हो सकता है। बिल्कुल सही। और जब आप जिम्मेदारी समझ के करेंगे तो जिम्मेदारी की अदायगी के बाद एहसान मंद हो या एहसान फरामोश हो, आपको दोनों सूरतों में तकलीफ नहीं। तकलीफ नहीं। सही है। एहसान मंद होगा तो आप शुक्र करेंगे, एहसान फरामोश होगा तो आप सब्र करेंगे। ठीक है। लेकिन मां बाप इस क्राइटेरिया से बाहर निकल गए। सही। औलाद का जहां तक ताल्लुक है, कैसे हो सकता है कि अगर मां बाप ने बीज बोते वक्त खाद ही ठीक नहीं डाली, सही, तो आप किस फल की तवक्को कर रहे हैं? वो अपने तई चीजों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ, खुदा की कुदरत होती है जी, कर्म नवाजी होती है, खास तौर पे उन घरानों पर जहां पे मां बाप ने तरबियती मामलात के अंदर, और इसके लिए मां बाप को अपने आप में झांक लेना ही काफी होता है। सही। वैसे हम जितने मर्जी डायलॉग सुनाते रहे, ठीक है, कि मैंने उस वक्त ये किया वो किया, भाई किया तो तुमने, मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि औलाद पैदा हो जाने के बाद खुशी किसको हुई थी? मां बाप को। वालदैन को जी। उस बच्चे को तो वो तो रोता हुआ पैदा हुआ था। खुशी के मजे आप ले रहे हैं, ठीक है, फिर जब आप उसको परवान चढ़ा रहे हैं तो आपकी जिंदगी में जो कम्प्लेक्स थे वो आप कम्प्लेक्स खत्म कर रहे हैं उसके लिए पूरा करके, कि आपने अगर बचपन में अच्छा लिबास नहीं पहना तो आप उसको अच्छा लिबास पहना रहे हैं, वो अच्छे घर में नहीं रह सका तो आप उसको अच्छा घर दे रहे हैं, आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सके तो आप उसको अच्छा स्कूल दे रहे हैं, आप अपनी वो तमाम एहसास कमतरी उस बच्चे की सूरत में पूरी करके खुद मुतमईन हो रहे हैं। तो जिंदगी के एक मौके पे आके आप उसको कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा सेल्फिशनेस क्या हो सकती है? सोचना पड़ेगा उसके बाद पैरों में जन्नत बचती है कि नहीं, जन्नत का दरवाजा है कि नहीं, ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अमल ही साबित करते हैं कि आपको उसके रिवॉर्ड्स क्या मिल रहे हैं। ये बड़ी गड़बड़ होती जा रही है और ये शदीद गड़बड़ होती चली जा रही है, लेकिन इस तमाम के अंदर देखें, जो वक्त गुजर चुका होता है, अगर मां बाप से ये सब कुछ कहीं ना कहीं हो चुका होता है, हमें एक लम्हे के लिए, अभी मैं बच्चों की तरफ आ रहा हूं, ये जो सुनने वाले हमारे नौजवान हैं उनकी तरफ आ रहा हूं, आप खुदारा एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए कि वो मां बाप है। सही। आप उनको जरा इंसानी सतह पर ले आए, ठीक, उनसे कहीं ऊंच नीच होगी तो माफ कर दीजिए, इंसानी सतह पर माफ कर दीजिए, उस रिश्ते की सतह पर मत लेकर जाएं, ठीक। और जब आप उनको इंसानी सतह पर देखेंगे तो आप भी एक्नॉलेज कर लेंगे कि हाँ यार गलती हो सकती है, मुझसे भी तो गलतियां हुई हैं बहुत सारी। सही। वो जब हम मां बाप के टैग के साथ उन तमाम गलतियों को देखते हैं तो माफ नहीं कर पाते। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि मां बाप को, और खास तौर पे अब जो बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मां बाप को भी कभी हाथ पकड़ के अपने बेटे का या बेटी का शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि यार तू मेरी जिंदगी में आया या आई, मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी हो गई, मैं घर आता हूं तो मैं बाहर थका होता हूं तो तुम्हें आने के बाद मेरी थकान उतर जाती है, इसलिए तुमने मुझे एनर्जी दी इस दुनिया में आने के बाद, मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अब ये बड़ा औखा काम है
ये बहुत औखा काम है। क्यों औखा काम है? नफ्स आड़े आता है, इबलीस आड़े आता है, वो कहता है नहीं भाई तू तो चौधरी है घर का, तू ये करेगा तो फिर क्या करेंगे। और अब यकीन कीजिए कि अगर आप ऐसा करें अपनी औलाद के साथ, वो कभी भी ना शुक्रगुजारी नहीं करेगी आपके साथ, वो हमेशा एहसानमंद भी रहेगी और आपकी उसी तरीके से अदब और एहतराम करेगी जो आप चाहते हैं वो करें। आप क्यों ऐसा देखते हैं कि एक बाहर के शख्स के साथ, आपको ये पता है कि जब तक आप उसके साथ अच्छे अखलाक से बात नहीं करेंगे तो आपको अच्छे अखलाक से जवाब नहीं मिलेगा, तो औलाद के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? माँ बाप भी औलाद को इंसान समझकर जमीनी हकायक के हिसाब से लेके चलेंगे तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। और ये रिश्ते जो आज क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, जो तबाहकारियां हो रही हैं घरों के अंदर, ये टूटने से बच जाएंगे। सही सही। और तरबियत में वालिद और वालदा दोनों का सेम 100% ये 50-50 के पार्टनर ज्यादा 50-50 के पार्टनर है। देखिए माँ जो होती है, माँ के पास घर में वक्त ज्यादा दरकार होता है, लेकिन क्योंकि माँ की घर में और भी सरगर्मियां होती हैं, वो उसमें मसरूफ होती है, लेकिन उसके बावजूद उसका बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है, वो बच्चों को ज्यादा ऑब्जर्व कर रही होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने बाप के हवाले से ये कंपलसेशन दी हुई है कि अगर वो बाप क्वालिटी टाइम दे दे घर में आने के बाद आधे घंटे का, एक घंटे का या 15 मिनट का, वो उन बच्चों के पूरे दिन की फीडिंग के लिए बहुत है। ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। ये है ना, उनके सामने टीवी पे जियो लगा हुआ है और साथ में बेटा बैठा हुआ है, उससे पूछा हाँ अभी कैसा गुजरा आज का दिन, ठीक है, तो वो फिर वो उतना ही जवाब मिलेगा जितना को आप कंसंट्रेट कर रहे हैं उसके साथ। सही सही, ठीक ठीक। अच्छा, अगर बच्चा जो है, आजकल के बच्चे उनके हिसाब से बात, अगर बच्चा जो है वो वालदैन से इख्तलाफ राय रखता है किसी बात पे, तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? मुझे लगता है माँ बाप को खुश होना चाहिए इस बात पे कि उसने सवाल उठाना शुरू किया, और जो माँ बाप तो इस पे तो झिड़कियां पड़ जाती हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। माँ बाप को शुक्र अदा करना चाहिए जिस दिन बच्चा सवाल उठाता है कि खुदा ताला ने उसको पूरे जहन और मुकम्मल अकल के साथ पैदा किया है। ये जो झिड़की है ना, ये आप नाशुक्री कर रहे हैं और आप इस बात की इजाजत नहीं दे रहे उसको कि तुम अपने जहन को मजीद खोलो। जो लोग अकल रखते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मंतक से नवाजा है, वो दिल के अंदर उनके लड्डू फूटते हैं जिस दिन उनकी औलाद उनसे सवाल करती है कि आज इसने पहला कदम बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि सवाल उठाना जो है ये बाशोर लोगों का काम होता है। सही, ठीक है। वो डंप होते हैं जो सवाल नहीं उठाते। अगर आपकी औलाद आपसे सवाल नहीं उठा रही तो आपको परेशान होना चाहिए कि वो कौन सी कमी कोताहियां रह गई हैं, वो कौन सी डेफिशिएंसीज हैं कि जिसकी वजह से ये सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन क्योंकि हम बड़े हैं और हम बड़े होने के साथ साथ हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है कि हम कभी जिंदगी में रिटायर्ड नहीं होना चाहते। मैं अक्सर ये बात प्रोग्राम में कह चुका हूं कि रिटायरमेंट बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सही। एक सर्टन उम्र के बाद आपको रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आप जब रिटायर नहीं होंगे तो फिर घर में आने वाली बहू भी तंग होगी, फिर बहू का और सास का डेढ़ मरले के किचन के ऊपर एक जंग मुसल्लत रहेगी। बिल्कुल। और अगर बाप और बेटे के दरमियान रिटायरमेंट का ऐलान नहीं होगा तो फिर घर के फैसलों के अंदर जंग छिड़ेगी। बिल्कुल। रिटायरमेंट का ऐलान करना बहुत जरूरी है, और ये माँ बाप के लिए मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, ये एक बड़ा बाइज्जत और ग्रेसफुल फैसला होता है, जिसको कहते हैं ना पराया मेला ही छाड़ देना। तो आपको रिटायर होना चाहिए और कहना चाहिए कि बेटा अब मैंने कर लिया जिंदगी में, बहू आ गई तुम संभालो, और अब ये घर का किचन तुम्हारी माँ संभाले, माँ नहीं नई माँ आई जो तुम्हारी बीवी है वो संभाले। तो आप देखिए आपकी जिंदगी वो क्या है, वो कॉन्ट्राम है, जिंदगी गुलजार है हो जाएगी। सही। नहीं करेंगे तो इस वक्त मुआशरे के अंदर जो चपकलिश है और जो अजाब अजाबे जहां जो है वो फिर जरबे अजब बन के सामने आएगा।
क्या क्या हमारी ड्रामाई किस्म की गुफ्तगू हो गई।